धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है। आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। वहीं तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से एक बड़ा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री ने यह सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कांग्रेस के शहजादे ने अडानी और अंबानी को अचानक गाली देना बंद कर दिया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। अडानी, 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 अडानी। इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या कांग्रेस ने अडानी अंबानी से की सीक्रेट डील, इसलिए हुई शहजादे की जुबान सी? उद्योगपतियों के विरोध की माला जपने वाले राहुल की जुबान पर क्यों लग गया ताला? अडानी अंबानी के नाम पर आखिर क्यों हुई राहुल की बोलती बंद? मंच चाहे चुनावी हो या फिर हो लोकतंत्र का भवन, हर जगह अपने हर भाषण में राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों के नाम लिए बगैर नहीं रह पाते थे, नहीं रह पाते थे बीजेपी पर अडानी अंबानी के साथ साथ गांठ का आरोप लगाए बिना। लेकिन जब से देश में चुनावी माहौल की खुमारी है, तब से राहुल की जुबान भी अडानी अंबानी का नाम लेकर केंद्र को नहीं घेर रही है, बल्कि राहुल की जुबान भी सिल गई है, मानो ताला लग गया हो। तीसरा चरण भी खत्म हो गया है, लेकिन मजाल है कि एक भी शब्द निकला हो। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अडानी अंबानी पर राहुल गांधी अचानक चुप क्यों हुए? क्यों अपनी किसी भी चुनावी भाषण में उद्योगपतियों पर आरोप नहीं लगा रहे? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। देश को बता दिया कि राहुल की चुप्पी का वास्ता क्या है। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात? अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं से पहले राहुल का कहना क्या होता था चुनावी मंच और संसद में, वो अडानी और अंबानी पर क्या बयान देते थे, वो भी सुनिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल,
कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। क्या सच में दाल में कुछ काला है? राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव के लिए अडानी अंबानी की कंपनी से पैसे लिए हैं और इसलिए अचानक से उनकी जुबान पर ताले लग गए। क्या ये भी सच है कि देश के उद्योगपतियों को गाली देने वाले राहुल गांधी के अचानक से सुर बदलने के पीछे ट्रक भर कर मिले पैसे हैं? अब इस सवाल पर जवाब न केवल राहुल गांधी बल्कि समूचे कांग्रेस को है। कांग्रेस को लगता है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं। क्या ऐसी बातें देश स्वीकार कर सकता है? क्या कांग्रेस को लगता है कि साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं? मैं जरा सीतारमैया जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटका के लोगों पर यह आरोप आप स्वीकार करेंगे? क्या मैं तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, क्या वे इस प्रकार के आरोप को स्वीकार करेंगे? क्या मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, जो तमिल संस्कृति की बात करते हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्या तमिलनाडु डीएम के कांग्रेस के साथ अपना नाता तोड़ने की घोषणा करेंगे? क्या तमिल स्वाभिमान के लिए, तमिल लोगों के लिए क्या वो हिम्मत है क्या उनमें? कांग्रेस को लगता है कि पश्चिमी भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं। मैं जरा बाला साहब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान है, जरा बाला साहब जी को याद करो। मैं इन नकली संतानों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा उनके मेंटर बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब नस्ल के अरबी लगते हैं, क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये भाषा मंजूर है? क्या कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत के लोग गोरों जैसे दिखते हैं, क्या आपको ये बात स्वीकार कर सकते हैं? क्या सत्ता के लिए देश का बंटवारा कराने वाली कांग्रेस अब भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी करने पर उतर आई है? क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? और ये बात जरा जो उनकी इकोसिस्टम है वो भी समझ रहे हैं कि आप इनका बचाव करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड ने अमेरिका में बोला, उसके चार दिन पहले खुद शहजादे ने युवकों के बीच में कहा कि अमेरिका में इस रंग के लोग पेपर सेट करते हैं तो इस रंग के लोग परीक्षा में नापास होते हैं, इस रंग के लोग पेपर सेट करें तो सब पास होंगे। हिंदुस्तान पर भी उन्होंने वही टिप्पणी की थी जिसका विस्तार शाहजादे के गुरु ने किया है। ये दोनों की बातें मिली हुई बातें हैं, सोच समझ करके बोली हुई बातें हैं। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी पर, शाहजादे पर, इस शाही परिवार पर गंभीर आरोप लगाता हूं। अरे मुद्दे नहीं है तो कम से कम हम भारतीयों का मखौल मत उड़ाओ। तीसरे फेज में घुटने टेकने की बौखलाहट में ये लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं, लेकिन देश कांग्रेस की एक एक विभाजनकारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। क्या आप ऐसी सोच वाली कांग्रेस को, देशवासियों के भी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मैं आंध्र में नहीं कह रहा हूं, मैं देश के जहां जहां चुनाव बाकी है सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसा गुनाह करने वाली कांग्रेस को
बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। कांग्रेस देश वारसत्वा तोगनि देशा मुक्ल मुक्ल चेयन आलोचन कांग्रेस देश विभजन की मूल तोगे प्रयत्न चेस्तुंदी।